सिरोही हमारे सहयोगी लियाकत लगातार जुड़े हुए हैं सिरोही से। लियाकत, मौसम की तस्वीर बताएं और क्या तैयारी? जी बिल्कुल, चक्रवात तूफान बिपरजॉय का असर अब धीरे धीरे सिरोही जिले में दिखना भी प्रारंभ हो चुका है। सिरोही जिले की बात करें तो जिले के माउंट आबू व मंडार क्षेत्र में यकायक अभी कुछ देर पहले बारिश का दौर शुरू हुआ था। कभी रिमझिम बारिश तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है, साथ ही कभी तेज हवाएं चल रही है। वहीं आपको बता दें, आसमान में दोपहर तक तो बिल्कुल बादल भी नहीं थे, लेकिन फिलहाल आसमान में आप देख पा रहे होंगे आसमान में अभी बादलों ने डेरा भी डाल दिया, तो कहीं ना कहीं इस चक्रवात तूफान का धीरे धीरे असर सिरोही जिले में दिख रहा है। वहीं आपको बता दूं, सिरोही जिला राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसडीआरएफ के 20 सदस्यों की एक टीम सिरोही पहुंच चुकी है, साथ ही जिले की सिविल डिफेंस की टीम को भी कलेक्टर ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए, साथ ही जिले के तमाम अधिकारियों को भी सतर्क रखा गया है। वहीं आपको बता दें, अभी इस तूफान को लेकर धीरे धीरे कभी हवाएं चल रही है, कभी तेज हवाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस तूफान का असर सिरोही जिले में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, आप तीनों हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जीएफएक्स के जरिए हमें समझाएंगे कि बिपरजॉय कहां पर पहुंचा है और कैसे तटवर्ती इलाकों से होता हुआ राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। ऋषभ, ओवर टू यू।